आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 28 तक पहुंच चुकी है। इनमें केरल के 3 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और इस तरह आज की तारीख में देश में कुल 25 मरीज मौजूद हैं। आज मरीजों की संख्या में 23 मरीजों का इजाफा हुआ है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इटली के 17 टूरिस्ट का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। आगरा के जिन 6 लोगों को शक की वजह से दिल्ली में भर्ती कराया गया था, उनमें भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अभी हमने आज सुबह 11 बजे जो हमारे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स हैं और दिल्ली में जो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि कल एक दिल्ली में भी केस आया, इसलिए दिल्ली के सिस्टम के लोगों से यद्यपि हम लोग लगातार टच में हैं, लेकिन उनको भी और ज़्यादा हम अच्छी तरीके से एक्टिवेट भी करना चाहते थे, उनके साथ फेस टू फेस सारी चीज़ें शेयर भी करना चाहते थे। तो विस्तार से उनके सामने हमने जो देश में अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो भारत सरकार 17 जनवरी ऑनवर्ड्स लगातार सारे देश भर में कर रही है और अभी तक जो भी केसेस वगैरह यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में चर्चा की है। दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एंटिसिपेट करके कि अगर कल को केसेस इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज में आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज, आइसोलेशन के वार्ड्स, उनको तुरंत डेवलप कर लें। तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है, एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है, तो अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें, हैंडशेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है नमस्ते करके हम कर लेते हैं। 15 लेबॉर्टरीज़ हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज में ही, अभी 19 लेबॉर्टरीज़ और एस्टैब्लिश कर दी हैं, जिसमें से 7-8 कल शुरू हो गई हैं, बाकी सब आज शुरू हो जाएंगी। टोटल अब 15+19 और हो गए। देखिए ये मैंने 15+19 जो है अभी हमारी हो गई है, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम 50 तक तो हम लोग जो है कभी भी एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। तो कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना को हवा मत बनाइए, कोरोना का उपचार है, इलाज है, बहुत खर्चीला ये इलाज नहीं है, बल्कि देसी चिकित्सा पद्धति से इसका उपचार किया जा सकता है। कोरोना से कैसे बचें, बता रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। जो लोग चीन से लेकर के इटली से, दुबई से और इससे जो प्रभावित देश हैं उनसे जो भी लौट रहे हैं, उनको यदि ये वायरस है तो उनसे तो सावधानी बरतने की 100% ज़रूरत है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। बाकी पूरे देश में किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार, जो सामान्य संक्रमण होता है उससे तो कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना के वायरस से भी आप लड़ करके जीत सकते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी हाई है। तो इम्यूनिटी को हाई बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो कम से कम सब करें। और ये गिलोय, जिसके हमने गिलोय की गोली भी बना रखी है घनवटी, गिलोय, तुलसी और हल्दी, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कोरोना के वायरस से लड़ सकते हैं और उसके जो जितने भी सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के जितने भी सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो तीन औषधियां कम से कम आयुर्वेद की, गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, हल्दी और भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तीन से पांच मिनट भस्त्रिका, पांच मिनट कपालभाति, पांच मिनट अनुलोम विलोम, ये करते हैं तो इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। बाकी क्योंकि आंखों के माध्यम से, नाक और मुख के माध्यम से हमारे शरीर में फैलता है, इसलिए यदि कोई इससे पीड़ित है, संक्रमित है कोई रोगी, तो उससे अपने इस आंख, नाक, कान, मुख को बचा करके रखें। उसके लिए सावधानी बरतें, नमस्ते करें दूर से, किसी को गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, किसी को किस ना करें, इन चीज़ों से तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी देश के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, जो विदेशों से जो कोरोना से पीड़ित जो देश हैं उनसे जो लौट करके आ रहे हैं, उन लोगों से मिलने में, उन लोगों से व्यवहार में सावधानी जरूर बरतनी होगी। वैसे ये यदि ऐसे इतने इतने एक एक बालिश की ये तीन डंडी ले लिए, पूरे परिवार के लिए, पांच छह लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त है। इनको कूट करके अमाम दस्ते में, अथवा इसको छोटे छोटे पीसेज में काट के और मिक्सी में ऐसे इसको थोड़ा जो है उसको ग्राइंड करके लगभग ये दो गिलास पानी में पकाया और एक कप पानी बच गया तो उसको छान के पी लिया थोड़ा थोड़ा, और इसी में तुलसी के 8-10 पत्ते डाल दिए, इसी के अंदर थोड़ा अदरक डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी जो अपने घरों में हम लेकर के आते हैं, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी काली मिर्च जो है सबको पता ही है। तो हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, ये या किसी को ताज़ी हल्दी होती है किसी के घर में तो आजकल तो ताज़ी भी हल्दी होती है, तो ऐसे एक एक गांठ ऐसे तुलसी की, एक गांठ अदरक की, एक गांठ ऐसे हल्दी की ऐसे डाल दी, तो ऐसे इन चीज़ों को उबाल करके काढ़ा बना करके पिया जाता है। जिनको ये उपलब्ध ना हो गिलोय ताजी, तो ऐसे गिलोय घनवट्टी खा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और योगों से हमारे यहाँ पर प्रयोग करते आए हैं, और हमने चिकनगुनिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू से लेकर के, डेंगू से लेकर के, और जितने भी और बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी हमने गिलोय को पाया है, ये जो डंडी है, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी अद्भुत है। और बुखार तो एकदम से नियंत्रित कर देती है, सर्दी जुकाम को एकदम से ठीक कर देती है, दो तीन बार काढ़ा पीने से, तीन बार पी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार। सर्दी जुकाम बुखार है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई तेज फीवर है तो अलग बात है, बाकी यदि कोरोना है तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले और साथ में ये प्रयोग भी कर ले और प्राणायाम भी कर ले। ये बचाने के लिए भी और उपचार के लिए दोनों बातें, खास योग भी ऐसा है जो प्रिवेंटिव भी है और जो है वो ट्रीटमेंट भी है। और यदि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी, जैसे मैं रोज आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ सुबह उठते ही, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आज 50 साल हो गए मुझे एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार कोई समस्या नहीं होती है। बाकी कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, ना कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, ना कोई इन्फेक्शन होता है शरीर में। तो मैं रोज आंवला एलोवेरा पीता हूँ, रोज गिलोय पीता हूँ, तो ये बचने के लिए भी और होने के बाद, सर्दी जुकाम बुखार और कोरोना होने के बाद में भी उसके उपचार के लिए भी है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन भी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है और क्योर भी है। जैसे सर्दी जुकाम का वायरस है, इससे स्ट्रॉन्ग वायरस है ये कोरोना, तो और आपने देखा पूरी दुनिया में अब तो इसके के सारे नतीजे भी सामने आ गए हैं। जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसी कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग जो 40-50 से ऊपर के हैं, 60 के ऊपर के, उनके ऊपर इसका अटैक ज्यादा होता है और उससे मौतें ज्यादा हो रही है। जिनकी इम्यूनिटी हाई है वो इससे लड़कर के स्वस्थ होकर के बाहर निकल रहे हैं, और अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, जो लोग उपचार कर रहे हैं वो सर्दी जुकाम बुखार का ही इलाज कर रहे हैं। वायरस को किल करने वाली अभी तक तो कोई दवाई खोजी नहीं गई है, इसलिए जिनका इम्यूनिटी हाई होगा वो इससे लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसलिए योग जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, साग सब्जियां, इनको ज्यादा खाएं। बाकी जो सावधानी बरतनी है वो जरूर बरतें। जैसे सर्दी जुकाम में अटैक होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा अटैक होता है, इसलिए कपाल भाती तो इजीली हो जाता है, थोड़ा भस्त्रिका में और अनुलोम विलोम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो कपाल भाती कर ले, और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए भ्रामरी भी कर ले। ओम ये कर ले,
थोड़ा 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5-7 कुछ आसन कर लें, मंडूकासन, उत्तानपादासन, नौकासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, ताड़ासन, त्रिरेखताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन आदि थोड़े थोड़े आसनों के बारे में अब तो पूरे वर्ल्ड में जागृति आ गई है। इसलिए योगाभ्यास तो अपने आप में एक बहुत अच्छी विधा है अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने बॉडी माइंड सोल के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोगों से अपने आप को बचाने के लिए, रोगों को मिटाने के लिए। नोएडा में कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नोएडा के स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे कोरोना के संदिग्ध दायरे में थे उनका टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। नोएडा में राहत है, लेकिन कोरोना की दहशत नोएडा के कई स्कूलों तक दिखाई दी। दिल्ली से जुड़े कोरोना के तार हैं, 4 शहरों तक कैसे पहुंचेंगे तार, देखिए रिपोर्ट। मरीज एक लेकिन 4 शहरों में कोरोना का खौफ, दिल्ली, नोएडा, आगरा और बुलंदशहर, 4 शहरों के बीच क्या लिंक है ये भी जान लीजिए। सोमवार को जिन 2 भारतीयों के कोरोना से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई उसमें एक शख्स दिल्ली के मयूर विहार का निवासी है। मरीज का बेटा दिल्ली से सटे नोएडा के स्कूल में पढ़ता है, जिससे नोएडा में हड़कंप मचा। मरीज के कुछ रिश्तेदार आगरा में रहते हैं तो इस केस का आगरा कनेक्शन जुड़ा। इस मरीज का पैतृक घर बुलंदशहर है, इटली से लौटने के बाद वो अपने घर भी गया था, इसलिए अब बुलंदशहर में भी हड़कंप है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली के मयूर विहार की सोसाइटी से। जब से पता चला है कि सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, सोसाइटी के लोगों में खौफ भर गया है। लोग अब पार्कों में जाने से भी डरने लगे हैं। आज सुबह से पता नहीं कितने फोन आए, लोग पैनिक हैं और वॉक भी थोड़ा सा कम कर रहे हैं लोग बाहर, और वो इफेक्ट रहेगा 1-2 दिन और बाद भी है पैनिक होने की, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हम सब ने अपने अपने ग्रुप्स में डाला है प्रिकॉशनरी, हम क्या कर सकते हैं, और हम ही नहीं हर कोई डाल रहा है, जिसको जो चीज़ पता चलती है वो ग्रुप में डाल रहे हैं। अब इस कहानी का दूसरा सिरा नोएडा से जुड़ता है। मयूर विहार के कोरोना मरीज का बेटा नोएडा के ही एक निजी स्कूल में पढ़ता है। इटली से लौटने के बाद शख्स ने अपने घर पर बेटे की जन्मदिन पार्टी दी थी, जिसमें नोएडा के 2 परिवार से 5 लोग शामिल हुए थे। इनमें 3 बच्चे और 2 अभिभावक हैं। राहत की बात यह है कि टेस्ट में किसी भी वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। सैनिटाइजेशन अब स्कूल में शुरू कर दिया है और जैसे ही सैनिटाइज हो जाएगा स्कूल तो फिर से दोबारा खोल दिया जाएगा। अब बात आगरा की। दिल्ली वाले मरीज के कुछ रिश्तेदार आगरा में रहते हैं। इन रिश्तेदारों में 2 भाइयों का एक परिवार भी है जो दिल्ली वाले शख्स के साथ इटली गया था। इटली से लौटने के बाद जब दिल्ली वाले शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई तो आगरा वाले लोग भी एहतियातन जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए। जांच के लिए 13 लोगों के सैंपल लिए गए, इनमें 6 संदिग्ध पाए गए हैं। इन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है, इनके सैंपल पुणे भेजे गए हैं। जो 2 लोग थे फैमिली मेंबर्स, वो इटली से आए थे, यहीं के आगरा के ही रहने वाले थे, इटली से आए थे, अपनी फैमिली में रह रहे थे, तो इसलिए उनको हाईली सस्पेक्टेड मानते हुए हम लोगों ने उस पूरी फैमिली के सैंपल लिए। उसमें से जो थोड़े से सिम्टम्स जिसमें लग रहे थे उनको 6 केसों को हमने दिल्ली भेज दिया सफदरजंग हॉस्पिटल। बाकी 7 लोगों को उस फैमिली के हमने क्वारंटाइन पे कर दिया, आइसोलेशन में रहेंगे ये बता दें। इसकी कहानी का चौथा सिरा है बुलंदशहर। कोरोना का पीड़ित दिल्ली का कारोबारी मूलतः बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है। बताया जा रहा है कि इटली से लौटने के बाद कारोबारी अपने घर बुलंदशहर में आया था। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कारोबारी के परिवार के 4 सदस्यों को खून की जांच के लिए लखनऊ भेजा है। दिल्ली में केस पॉजिटिव मिला है जो कि इटली से लौटे थे, तो उनके साथ एक उनके संपर्क में रहने वाले हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली बुलंदशहर की है और वो भी एसिम्प्टोमेटिक है, और फैमिली में भी किसी को इस तरह के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव कॉन्टेक्ट से उनकी हिस्ट्री है इसलिए हमने एहतियातन उनको आइसोलेशन में रखा है और उनके सैंपल जांच के लिए KGMU भेजे हुए हैं। तो मरीज एक और 4 शहरों में खौफ। दिल्ली से दीपक डालमिया, नोएडा से भूपेंद्र नारायण सिंह, आगरा से अरविंद शर्मा, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
सरकार उपाय कर सकती है, लेकिन सबसे अहम लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। यानी क्या करें क्या ना करें, कोरोना वायरस को कैसे पहचानें और फिर इससे किस तरीके से निपटें। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस भले न फैला हो, लेकिन इसकी दहशत ने घर घर में पैठ जमा ली है। कोरोना वायरस चीन में महामारी बन चुका है और अब रोकथाम और बचाव की लाख कोशिशों के बावजूद भारत में हमला करने लगा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये पहचान कैसे हो कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है, क्योंकि इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। यही वजह है कि इसकी पहचान करना आसान नहीं, लेकिन इसके लक्षणों से अंदाजा लगाया जा सकता है। WHO के मुताबिक संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। बुखार, खांसी, सिर में तेज दर्द, नाक बहना और गले में खराश की तकलीफ इसके लक्षण हैं। अभी हम कहीं बाहर जाएं और वहां से आएं तो अपने हाथ धोएं अच्छी तरह, 20 सेकंड हाथ धोएं, सोप और वाटर सबके पास अवेलेबल है उससे हाथ धोएं। उसके अलावा हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के बाहर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी घर में आए उससे आग्रह करें कि अपने हाथ धो के अंदर आए, हगिंग ना करें, आलिंगन ना करें, और अगर किसी को जरा सा भी खांसी या बुखार है तो उसके करीब ना जाएं। सेफ डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट है। कोरोना को फैलने से रोकने का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है, लिहाजा बचाव भी जानना जरूरी है। करना क्या है और क्या नहीं करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ रखें, साबुन और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करें, खांसते और छींकते समय मुंह को ढक कर रखें, हाथ मिलाने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर कुछ भी छूने से बचें, खाना अच्छी तरह पकाएं, जानवरों के संपर्क में आने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर N95 मास्क पहनें। बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं, तो आपको फेस और माउथ कवर करना है, फेस और नोज कवर करना है, जहां भी बाहर जाएं। इनफैक्ट घर में भी, आप घर के अंदर भी अगर सस्पेक्टेड केसेस हैं तो आप घर में भी एक रूम में उनको आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा, मास्क N95 यूज करें, डेट विल प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तीसरा ये है कि हैंडशेक की जगह अगर आपको किसी को ग्रीट करना है तो नमस्ते का उपयोग करें। अब जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो डरने की जगह लड़ना ही समझदारी है। अगर आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो काफी हद तक इसके कहर से बचाव संभव है, और अगर लापरवाही बरती तो इसकी चपेट में आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। मनीष गुप्ता और दिव्यांशु तोमर के साथ आज तक ब्यूरो। बीते 24 घंटों में 6 नए देश कोरोना की चपेट में आ गए हैं और मौतों का आंकड़ा भी 125 से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में दुनिया इस खतरे से कैसे निपट सकती है, ये एक बड़ी चुनौती है। चीन पर कोरोना ने तगड़ा हमला किया तो अमेरिका में भी अब तक 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हर एक देश इससे लड़े, अपने अपने तरीकों से इसके खतरे से जूझे। बॉर्डर सिक्योरिटी इज ऑल्सो हेल्थ सिक्योरिटी। इन आवर एफर्ट्स टू कीप अमेरिका सेफ, माय एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन द मोस्ट अग्रेसिव एक्शन इन मॉडर्न हिस्ट्री टू कंट्रोल आवर बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्ट Americans from the coronavirus. Came from China. In the early stages of the foreign outbreak, I ordered sweeping travel restrictions to prevent uncontrolled spread of this disease. I took a lot of heat because I did it very early. You know, we had never done it before, Matt. चीन से भाईचारा निभाने के नाम पर अपने छात्रों को वुहान से रेस्क्यू न कराने वाले पाकिस्तान को भी कोरोना के खतरे से बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा को कम से कम अगले एक हफ्ते तक बंद कर दिया है, ताकि अफगानिस्तान से कोरोना वायरस का संक्रमण पाकिस्तान में न फैल सके। इससे पहले पाकिस्तान ईरान के साथ लगे अपने बॉर्डर को भी बंद कर चुका है। उधर यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के खतरे का स्तर मॉडरेट से हाई करके इसकी गंभीरता को पहचाना है। आज तक ब्यूरो।